अच्छा, दो लड़के आए रात के करीब 9:30 बजे करीब, दारू पिए हुए थे दोनों, और वो अपने दादी की मच्छरदानी लगा रहा था लड़का मेरा, मच्छरदानी लगा उन्होंने मोटरसाइकिल थामी और गड़ा पकड़ लिया था लंडे का मेरे। तो जी उसे आवाज दिया, पापा पापा ये घर में है, यूँ हमारा घर है, ये घेर मारा हुआ है स्वामी वाला। तो जैसे हम भागे यहाँ से, रुक कर देते हैं वहाँ भाग लिए, तो लगभग मैं 20-25 मिनट के बाद आए मैं हथियार के, 8-10 लड़के थे और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। जब हम तो मतलब हमारे हम तो कुछ मिलता ना, हमारे दिमाग को इसी भाव में थे भाई ये लड़ाई हटके वापसी में आने के। अच्छा जी, एक बुढ़े फिर गोली लग गई, कहीं का छर्रे यानी पैर में लगे, एक गोली लग गई एक टांग में। एक आतंकवादी गांव मतलब वो आया है, वो मतलब वो आदमी वो घर उससे पूरे गांव के गांव परेशान है, 99% गुज्जर मेरी सहायता है। तो गुज्जर समाज भी आपके साथ? हाँ जी, और वहाँ साथ दे रहे बेचारे, ऐसी बात नहीं, जो बात सच्चाई है सच्चाई है, उससे तो हर आदमी परेशान है जी। तो जैसा ही उधर रात को आज हम अगले दिन उसका बाप है मतलब था जो यही एक बुढ़िया हमारी मोहल्ले की उधर गई हुई थी तो जी वह 3600 पकड़ गए अगले दिन भी सुबह। मतलब रात को लड़के पकड़े गए और सुबह फिर धड़ाक मार दी, उनके मारपीट कर दी। गांव में कभी पहले दलितों और गुजरों में कभी भी राड़ा रहा कोई नहीं ना, कोई पहले नहीं आया कभी, कुछ नहीं आज। अगर थोड़ी बहुत ही बोल चाल है गेल लगी, बस आपस में बैठ कर रहता है लीजिए, बस यहाँ में गाँव से बाहर नहीं कभी बात जान दी, कभी भी गाँव के इतना हमारा संपर्क अच्छा है मजदूरों का और गुजरों का यहाँ का, तो हम आपस में नहीं मिटा लें कोई बात हो, पर ही तो नया खड़ा हुआ खड़िया नया खेत ये बढ़ गई तो बढ़ी जी दलितों पर क्या बढ़ी है सब बढ़ी जैसा हमारे यहाँ आएगा कहाँ डी ये बड़ी नहीं जबरदस्ती नहीं हो रहा काम लेने देना कुछ वास्तव में नहीं बट क्यों बढ़ रही है आपके हिसाब से ये सरकार की बात है जी सर सरकार भी मतलब सरकार की वजह से बुरा काम है बीजेपी की सरकार है सही दे जी और क्या जी जब से तो इस सरकार में आई है जब से तो चल ही रहा है काम कभी किसी गांव में भाजपा सरकार में कहीं पर भी काफ़ी जगह झगड़े हो चुके हैं तो इस सरकार से तो लग रहा है कि काफ़ी जगह हो रहा है इससे पहले तो इतने हुए नहीं इस सरकार में काफ़ी बढ़े हैं जी। मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे ज़रूर है, सास कहीं से आया है ज़रूर कि एक घंटे के बाद 10-12 लड़के आते हैं फिर मारने की कोशिश करते हैं, यही कि दलित को दफन करने की हमेशा कोशिश हो रही है 5 साल से, जब भी सरकार आई है भाजपा की तो बराबर ये काम चल रहा है, कोई से गांव चले जाओ कोई से ज़िले चले जाओ जहाँ भी देखते हैं दलित की समस्या, दलित को दफन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सरासर ये बीजेपी की चाल है। पहले अगर जैसे लड़ाई होती थी तो इस तरह से बंदूकें लेकर आ जाते थे क्या? पहले नहीं आए कभी, अब इसी सरकार में हो रहा है, कहीं एक महीने बाद कहीं आसपास के गांवों में, कहीं मुजफ्फरनगर ले लो आप, गढ़गुल्ली ले लो, शब्बीरपुर ले लो, दलित समाज के साथ ये सरासर दिख रहा है कि एक तरफ ही कार्रवाई है बीजेपी। कौन सी बात कर रही है?